एवरीवन, आई एम आरती चौहान एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ या फिर दो चीज़ों का डिफरेंस लाई हूँ वो क्या है, आई डॉट ई डॉट वर्सेस ई डॉट जी डॉट। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि या तो इन दोनों के बीच में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि किसी भी सेंटेंस में हम ये इसे यूज करना है या उसे यूज करना है। अगर नहीं तो ये भी श्योर है, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप इन दोनों को एक समझते होंगे। लेकिन आज मैं उन्हीं सब जो आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर लेके आई हूँ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। छोटी सी वीडियो है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी वीडियो में खत्म हो जाएगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको कई बार ये आपको सुनने को, यूज करने को या बोलने को, लिखने को मिलती है और आप उसमें प्रॉब्लम होती है आपको। तो चलिए उसी प्रॉब्लम को आज हम खत्म कर लेते हैं। देखिए, आई डॉट ई डॉट ये एक है, ये और ई डॉट जी डॉट ये दोनों लैटिन एब्रिविएशन है। ठीक है, एब्रीविएशन तो आप समझते ही हैं। जब हम किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं और उसमें डॉट लगा देते हैं, जैसे मिस्टर का एम आर, तो वही एब्रीविएशन ये हैं दोनों लैटिन एब्रीविएशंस। इनके यूज क्या होते हैं, पहले तो इनका मीनिंग समझिए, मीनिंग क्या है। अगर आई डॉट ई डॉट को हम बोलें, लैटिन में इसको बोला जाता है इडेस्ट, इडेस्ट। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, अगर हम इसका इंग्लिश में आप ये समझ लिए दैट इज, ठीक है। आई ई का मतलब होता है दैट इज, और इजी मतलब इसको हम लैटिन में बोला जाता है एग्जाम्पली ग्रेटिया, पर इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखिए, तो ये अगर ये आया है सेंटेंस में या आपको कहीं पे कुछ चीज को बताना है कि ये, तो क्या यूज होता है, दैट इज, जो कि, है ना, That is, और इसको कई बार हम ये जो है ना आपका आई ई, कई बार इसको ऐसे भी बोल लेते हैं, इन असेंस, ठीक है, असेंस ऐसे भी बोल लेते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिए यही इनफ है आपके लिए, मोर देन इनफ है। तो दैट इज मतलब दैट आई ई मीन्स दैट इज, और ई जी मीन्स फॉर एग्जाम्पल। तो जब आपको कोई एग्जाम्पल देना है तो आप करोगे ई जी का यूज, लेकिन जब आपको कोई उसका मतलब बताना है कि मतलब कि ये, तो आप करोगे आई और ई का यूज, ठीक है। आप रिटन में जब इसको लिखोगे तो आई डॉट ई डॉट लिखोगे, लेकिन जब आप इसको बोलोगे तो आपको प्रोनाउंस करना है इस वर्ड को दैट इज। ऐसे ही जब आप इसको स्पीकिंग में यूज करेंगे तो आप बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको पर्टिकुलर ये वर्ड यूज करना है। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल की किस तरीके से ये सेंटेंस में यूज होते हैं। लेट्स सी, द फूड इज लुकिंग नॉट गुड, दैट इज रोटन, मतलब खाना अच्छा नहीं लग रहा, कैसा है, रोटन है। तो ये दैट इज यूज होगा इस सेंटेंस में। और देखिए फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक्सरसाइज मेक्स यू फिट एंड गिव्स यू मैनी बेनिफिट्स, दैट इज फ्रेशनेस, प्लेस ऑफ माइंड, और भी बहुत सारी चीजें हमें एक्सरसाइज देती है। तो हम उस चीज के लिए हमने एग्जाम्पल दिए हैं कि बहुत सारी चीजें हमें क्या देती हैं, एक्सरसाइज बनाती हैं फिट, और हमें बहुत सारे बेनिफिट देती है, जैसे कि फ्रेशनेस, पीस ऑफ माइंड। और लेकिन जब हमने बोला कि खाना देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो ये कैसा है, रोटन है, तो इसमें हमने यूज किया दैट इज का। देखिए अगर ये इस तरीके से होता, स्पाइसी फूड आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड या आई लाइक स्पाइसी फूड, ये बोलिए, जैसे क्योंकि हमें जनरली पसंद होता है ना, आई लाइक स्पाइसी फूड, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो हम अगर उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर मैं बोलूँ गोलगप्पा, छोले भटूरा, है ना, इस तरीके से समोसे, चाउमीन, तो इसमें लगेगा हमारा फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि ईजी, राइट। और अगर मैं बोल रही हूँ कि ये खाना जो कैसा है, कि ये रोटन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दैट इज। इसी तरीके से आप इसको देखिए, जैसे एक्सरसाइज, अगर हमने ये बताया कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, एग्जाम्पल फ्रेशनेस और पीस ऑफ माइंड, तो इजी लगा। लेकिन अगर हम ये बोलते एक्सरसाइज मेक्स यू फिट, दैट इज हेल्दी,
आपको फिट बनाती है जो कि हेल्दी, ठीक है। तो वो हमने उसके लिए अनदर वर्ड यूज करना, तो आप समझिए आई मतलब आपको एक अनदर वर्ड यूज करना है उसके लिए, तो वो होता है आपका आई मतलब कि दैट इज। देखिए और सेंटेंस में अब आपको ये खुद से फिल करना है, चलिए करते हैं मेरे साथ, करिए। देर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ केक, केक के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट वनीला, तो इसमें हमारा दैट इज लगेगा या फिर फॉर एग्जाम्पल लगेगा। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स उठाए ना, चॉकलेट लिया वनीला लिया, तो हमारा क्या लगेगा इसमें फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए दूसरा सेंटेंस, आप देखिए आपने जैसे ये बना लिया, ये भी इतना इजी है। द पार्क इज लुकिंग वंडरफुल, पार्क बहुत वंडरफुल लग रहा है देखने में, तो क्या लगेगा दैट इज एडमायरेबल, क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ी ना है, ये हमने बताया कि क्या है ये, कि ये एडमायरेबल की प्रशंसा के योग्य है, इसको एडमायर करा जाना चाहिए, इतना अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या यूज हुआ, इसमें यूज हुआ दैट इज, जैसे सी इज, एक एग्जाम्पल और देखिए, सी इज गोइंग टू हर वे, है ना, और हमने बोल लिख दिया यहाँ पे ऑफिस, तो आप बताइए यहाँ पे ये लगेगा या फिर ये लगना है, ठीक है। तो आप क्या लगेगा, क्योंकि वो अपने वे पे जा रही है जो कि क्या है ऑफिस है, तो क्या लगेगा दैट इज, तो हमारा ये लगेगा। एक एक चीज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जब आप इसको लिखते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप सेंटेंस में इसका यूज करते हैं ईजी या आईजी का, तो आप ई डॉट जी डॉट के बाद कोमा लगाएंगे, ये ज्यादा फॉर्मल होता है। वैसे आप ई डॉट जी डॉट भी लगा देंगे तो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, वो भी आपका सही कंसिडर होगा, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या होता है ई डॉट जी डॉट कोमा आई डॉट ई डॉट कोमा, मतलब आप इसके अंदर कोमा लगाएंगे तो ये ज्यादा सही रहता है इन द रिटन लैंग्वेज। तो यही था आज का हमारा सेशन, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।